सब बबूंस, स्वागत है आपका हमारे चैनल IGTC पे। एंड टुडेज वीडियो, वेल आज का मैं इंट्रो ज़्यादा खींचूंगा नहीं और सीधे भाई हमारे चैनल के अंदाज़ में टॉपिक पे बढ़ता है। आज हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है, दैट्स ऑल, मैं इतना इंट्रो दूंगा एंड बढ़ते सीधे टॉपिक पे। टॉपिक हमारा आज का बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं आपको दो यूनिक ओपन वर्ल्ड गेम सजेस्ट करने वाला हूँ जिनका नाम है Assassin's Creed 1 एंड Assassin's Creed 2। अगर ये गेम आपको पता है और आपने खेली है, सो वेल कॉन्ग्रैट्स। आप चाहे तो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, पर आपको अगर इन गेम्स के बारे में पता है और फिर भी आप इन गेम्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आपको इन गेम्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, यू हैव क्लिक ऑन द राइट वीडियो। आज का वीडियो उन पर एक समरी इंट्रोडक्शन होने वाला है और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये ओपन वर्ल्ड गेम्स यूनिक है और आपको एकदम खेलनी चाहिए, मस्ट प्ले गेम्स है ये। वेल लेट्स डाइव इनटू इट। स्टे योर ब्लेड फ्रॉम द फ्लैश ऑफ एन इनोसेंट, हाइड इन प्लेन साइट, नेवर कॉम्प्रोमाइज द ब्रदरहुड। I started this fight. I did not think it would span a lifetime. But I soon discovered it would span many more. Nothing is true. Everything is permitted. Well, before I start giving any knowledge about the games that I'm going to tell you today, guys, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ गेम्स की बैकग्राउंड के बारे में, जस्ट अ लिटल बिट इन्फो। आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इन्हें स्किप ना करें। वेल फर्स्ट इन्फो मैं पहले ही दे देता हूँ, असैसिन क्रीड की टोटल अभी 17 गेम्स है, असैसिन क्रीड 1 से लेके असैसिन क्रीड मिराज तक। और वेल ये सारी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। ओरिजिनली असैसिन क्रीड 1 एक स्टैंड अलोन गेम नहीं थी, वो खुद की एक गेम नहीं थी, वो ओरिजिनली हम सभी की बचपन की वन ऑफ मे बी फेवरेट रही होगी आपकी, प्रिंस ऑफ पर्शिया का एक स्पिन ऑफ होने वाला था। यानी कि ये गेम जो हम अभी खेल रहा हूँ स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे, वो ओरिजिनली प्रिंस ऑफ पर्शिया का पार्ट होने वाला था, क्योंकि यूबीसॉफ्ट जिन्होंने ये दोनों गेम डेवलप किए, प्रिंस ऑफ पर्शिया एंड असैसिन क्रीड, उन्हें कुछ अलग ट्राई करना था एक अच्छे गेम इंजन के साथ और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी थी प्रिंस ऑफ पर्शिया में। लेकिन उन्होंने आइडिया स्क्रैप किया ओपन वर्ल्ड गेम एक प्रिंस ऑफ पर्शिया की, क्योंकि प्रिंस ऑफ पर्शिया की गेम सारी स्टोरी मोड थी, उन्होंने उन्हें स्विच नहीं करना था उन्हें एक ओपन वर्ल्ड गेम से, इसलिए उन्हें सारा प्लान स्क्रैप करने के बजाय डाइवर्ट कर लिया और एक नई गेम बनाई जो हमें आज पता है Assassin's Creed 1 से। Assassin's Creed 1 रिलीज़ हुई थी 2007 और Assassin's Creed 2 हुई थी रिलीज़ दो साल बाद 2009 में, 2007 एंड 9। वेल दैट्स इट फॉर द बैकग्राउंड, मैंने थोड़ी इन्फो दे दी आपको। नाउ आपका इंटरेस्ट अगर बढ़ गया है कि आखिर एक प्रिंस ऑफ पर्शिया की गेम जो इंटेंट होने वाली थी वो गेम कैसी है, तो आप देख ही लोगे आज। It is a good life we lead, brother. The best may it never change. And may it never change us. वेल बिफोर आई स्टार्ट द स्टोरी, मुझे एक चीज़ बतानी है कि आखिर स्टोरी के मेन दो पार्ट कैसे डिवाइड होते हैं। असैसिन क्रीड 1, 2 और सारी असैसिन क्रीड में दो स्टोरी के एलिमेंट्स हैं, एक मॉडर्न डे और एक पास्ट। हम एनिमस नाम की एक मशीन से हमारे एंसेस्टर्स की मेमोरीज में जाते हैं जहां हम यूजुअली गेम खेलते हैं, और हमारा एक प्रेजेंट सीक्वेंस होता है। सो बेसिकली इन गेम्स में दो टाइप की स्टोरीज है, एक हमारी पास्ट की और एक हमारी प्रेजेंट की। ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ टाइम ट्रैवलिंग आप इन अ वे बोल सकते हो। अब
इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, क्योंकि हमारी मेन गेम जो हम खेलते हैं असैसिन क्रीड के, वो पास्ट इवेंट्स पे बेस्ड है, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे। सो मुझे ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देने, मुझे ये कहूँगा कि असैसिन क्रीड 1 की स्टोरी डार्क है, वो वॉर रिलेटेड, लोगों की डेथ के रिलेटेड, ऐसे हैवी टॉपिक्स पे है जो कि बहुत फिलोसॉफिकल और वेल कॉम्प्लिकेटेड है आइडियाज़ इस गेम के। और वेल बात रही असैसिन क्रीड 2 की, वो गेम एक बहुत डिफरेंट है, वो एक रिवेंज स्टोरी है। आप असैसिन क्रीड 1 में पहले से ही असैसिन हो, आप एक ग्रुप के मेंबर हो, पर जहाँ तक असैसिन क्रीड 2 की बात है, आप एक नॉर्मल इंसान होते हो जो कि आपकी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है, पर हरी चीज़ एक रात में पलट जाती है। आप एक वांटेड क्रिमिनल बन जाते हो, आपकी आंसर्स ढूंढने हैं अपनी मिस्ट्रीज़ के बारे में। इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि आप एक नॉर्मल इंसान से एक एक्चुअल ट्रेंड किलर बनते हो। चाहे आप जो भी कहो, असैसिन क्रीड कितनी भी पुरानी हो एज में, चाहे वो 16 साल अब पुरानी हो जाए, उसके ग्राफिक आज तक उसके टाइम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मैं एटलीस्ट कंसिडर करता हूँ। लाइक यू कैन सी असैसिन क्रीड 1 का डिज़ाइन बहुत ही डार्क और क्रीपी होने वाला था, एक वॉर रैवेज लैंड का है जहाँ पे वेल सारी डिप्रेशन छाई है इस एरिया में। यूबीसॉफ्ट ने बहुत अच्छा काम किया है पोर्ट्रे करने के लिए कि वर्ल्ड डिप्रेस होने पर भी कितना लिव्ड इन लग रहा है, मार्केट में लोग देख रहे हैं, आप बेंच पे बैठ के सब देख सकते हो कि लोग अपनी डेली ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। NPCs प्लेसमेंट बहुत अच्छी है एंड कैरेक्टर डिज़ाइन, एनवायरनमेंट, मैप, सब कुछ टॉप टीयर है। एंड एज यू कैन सी थोड़े मॉड लगाकर गेम बहुत अच्छी दिखने लगती है, एटलीस्ट कलर्स और इसके वाइज। मैंने मैप चेंज कर दिया और कलर पैलेट भी चेंज हो गया, एज यू कैन सी। इट्स एन इंट्रिगिंग डिज़ाइन, आप बहुत कुछ मतलब हिस्टोरिकल चीज़ें ऑलरेडी देख पा रहे हो कि कितना वेल एंशियंट और एज वेल एज मॉडर्न लग रहा है, एटलीस्ट टेक्नोलॉजी वाइज वे बहुत बहुत ही यूनिक ब्लेंड है हिस्ट्री और ग्राफिक्स का। एज यू कैन सी ये मैप छोटे भी नहीं है, आपको बहुत कुछ करने के लिए मिलेगा इन मैप्स में। एंड वेल दैट्स इट फॉर असैसिन क्रीड 1 एंड मूविंग ऑन टू असैसिन क्रीड 2। असैसिन क्रीड 2 एक बहुत ही इनोवेटिव थिंग थी असैसिन क्रीड की फ्रेंचाइज में। एज यू कैन सी सिर्फ 2 सालों में पूरी आर्ट स्टाइल चेंज हो गई थी असैसिन क्रीड्स की गेम की, ग्राफिक स्टाइल बहुत वाइब्रेंट, कलरफुल और अलाइव, हैप्पी एटमोसफियर था। NPCs रस्तों पे घूम रहे हैं, पानी है साइड में, पेड़ उग रहे हैं साइड में, बुशेस है, गमले हैं, बहुत यूनिक ब्लेंड था इस एटमॉस्फेयर का। इटली को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पोर्ट्रे किया है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मैप फ्रॉम असैसिन क्रीड 2। सिर्फ हरियाली और वेल ग्रीनरी, ग्रीन लैंड, पुराने ज़माने का एक बहुत प्यारा मिक्सचर है। आई लव दिस मैप सो मच। आप ये भी फील कर सकते हो कि कितना गेम अलाइव लगता है, ये ऐसा नहीं लगता कि कोई फिक्शनल गेम है। इतने सारे NPCs हैं, इतनी मतलब बढ़िया, जस्ट अ रियली प्लेजेंट फीलिंग जब आप इस गेम के ओपन वर्ल्ड में घूमते हो। असैसिन क्रीड गेम्स का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट रहा है उसका स्मूथ फ्लूइड मोमेंट और एकदम टॉप टीयर, टॉप नॉच पार्कोर एनिमेशंस। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। 2 वीडियो चला के असैसिन क्रीड 2 और 1 के 2 पार्कोर मॉन्टाजेस,
जिनकी मैं ओरिजिनल मतलब जिन्होंने वीडियो बनाया उनकी लिंक्स डाल दूंगा। मुझे आपार को राता है पर अभी मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा, तो मैं दो मॉन्टाजेस दिखाऊंगा। आई थिंक यू वुड लव दैम। Well, आई थिंक ये आपका फेवरेट पार्ट रहेगा, मेन इशू कि गेम में मारामारी कैसी होती है। मैं एक गेम प्ले के साथ आपको दिखाऊंगा कि स्क्रीन पे कैसे हो रहा है। असैसिन क्रीड 1 और 2 का कॉम्बैट बहुत ही स्टाइलिश और स्टेल्दी है। हम डायरेक्टली गन और कुछ तलवार ववार लेके सीधे एनिमी पे चढ़ नहीं सकते। एज यू कैन सी मुझे इन लड़कियों को हायर करना पड़ा और फिर छुप के इनको मारना पड़ा ताकि ये डिस्ट्रैक्टेड रहे। आपको इसी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ खेलना पड़ेगा क्योंकि असैसिन क्रीड एक ऐसी गेम है जिसमें आपका कैरेक्टर कोई हीरो या फिर सुपर वॉरियर नहीं है, आप एक इंसान हो। इसलिए आपको एक स्ट्रैटेजी और माइंडसेट के साथ खेलना पड़ेगा। एज यू कैन सी अगर बहुत सारे गार्ड है तो मुझे पहले स्मोक बॉम्ब करना पड़ेगा और फिर ही इनके पास में जाके इनको मार सकता हूँ। इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि आपको ये गेम खेलने पे सोचने पे मजबूर करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रीट पे घूमना बहुत मुश्किल है तो आप पार्कोर करके और मतलब सिक्योरिटी ले सकते हो बिल्डिंग्स पे चढ़ के। इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत डिफरेंट प्ले स्टाइल है। अगर आपने स्टेल्दी या फिर स्टेल्थ गेम्स नहीं खेली तो इट्स काइंड ऑफ अ न्यू एक्सपीरियंस। आप सीधे गन्स या फिर ये लेके किसी पे घुस नहीं रहे, विच इज़ इंटरेस्टिंग। हाँ, इसमें बहुत सारे टूल्स है, थ्रोइंग नाइफ एंड अ गन। एज यू कैन सी मैंने अभी अभी आपके सामने गन यूज़ की एंड दैट्स इट। कॉम्बैट इसका फॉर इट्स टाइम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है पिछली गेम्स से। एंड enjoy the rest of the clip, I guess. Aap enjoy kar lo baki ki clips. He's there on him. What a skill!
वेल, इस वीडियो की कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि गेम्स की जो मैंने आज बताई है, अपने अपने फ्लॉज है, अपनी अपनी अच्छी चीज़ें हैं और एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अगर आप लो एंड गेमर है तो आप एक गेम ज़रूर ट्राई करना। आपके वेल i3 Pentium इन पे भी ये गेम्स चल जाएंगी एंड ये बहुत अच्छी गेम्स है। दे आर अ ब्लास्ट फॉर यू। आपको बहुत मज़ा आएगा इनको खेलने में, इनकी स्टोरी को समझने में। एट द एंड ऑफ द डे ये गेम्स बहुत पुरानी है, आपको रिपेटिटिव लगेंगी, कुछ मिशन बहुत सेम टाइप के लगेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे ये गेम अब 10 से भी ज़्यादा साल पुरानी है। असैसिन क्रीड 1 लगभग 16 साल पुरानी है, 16 भी नहीं लगभग 17 साल पुरानी हो गई है असैसिन क्रीड 1, विच इज़ अ बिग नंबर। सो वेल, फिर भी ये गेम बहुत अच्छे तरीके से होल्ड अप करते हैं एंड आई होप यू लाइक माई सजेशंस एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।